पर बसते हम सबके सभी वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ता मित्रों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय बंधुओं, यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय एकता यात्रा की शुरुआत की गई थी, युवाओं में राष्ट्र भावना को जागृत करना, देश की एकता अखंडता को और सुदृढ़ करना, उस उद्देश्य को आज हमने पूरा किया है। 15 दिन की इस यात्रा में लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 12 राज्यों से शांतिपूर्वक ये यात्रा पूरी हुई और जो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ अलगाववादी नेताओं ने और इस अलगाववादी सोच वाली सरकार ने जो अंदेशा लगाया था कि शायद हिंसक घटनाएं होंगी, जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले यात्रा बहुत सफलतापूर्वक 11 राज्यों में और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जब गिरफ्तारी हमारे 3 वरिष्ठ नेताओं ने साथ में दी तो उस समय बहुत शांतिपूर्वक गिरफ्तारी थी। यात्रा में बहुत कुछ घटा जो मैंने बहुत स्थानों पर कहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आपसे साझी करना चाहता हूं। मुझे उमर अब्दुल्ला जी की इसलिए याद आती है कि इस यात्रा पर आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग आएंगे तो हिंसा भड़की और मुझे उनकी उस बात की याद भी आती है जो 14वीं लोकसभा में उन्होंने कहा था, मैं एक मुस्लिम हूं, मैं एक भारतीय हूं, हमें लगा जिस तरह से बाकी 11 राज्यों में हमारा स्वागत हुआ, जम्मू कश्मीर पर पहुंचने पर भी वैसा स्वागत हुआ, वहां के मुख्यमंत्री आए ना आए लेकिन वहां के लोग बहुत स्वागत करें। आज स्वागत हुआ वैसा ही जब हम जम्मू जा रहे थे, अरुण जी, सुषमा जी, अनंत जी, सब लोग, लेकिन जो मुख्यमंत्री और अलगाववादी सोच के लोग हैं उन लोगों ने जो बहिष्कार किया था हमने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जीत एक बार फिर देश की जनता की हुई, हार अलगाववाद की इस देश में हुई है। और ये जितनी बार भी चुनौतियां आएंगी, और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं चुनौती केवल मेरे लिए नहीं थी व्यक्तिगत तौर पर, केवल युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थे, ये देश के हर बेटा बेटी के लिए थी, हमारे स्वाभिमान के लिए थी, उन शहीदों के बलिदान के लिए थे। और हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और मुझे फख्र अपने उन कार्यकर्ताओं पर गर्व महसूस होता है जो बिना किसी सुरक्षा के लाल चौक में जाकर, पहले एक कार्यकर्ता ने, फिर 6 हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जाकर, फिर हमारे 2 प्रदेश अध्यक्षों ने जाकर, गुजरात के अध्यक्ष भी उसमें गए, इन सब लोगों ने वहां पर जाकर तिरंगा फहराया और कहीं और नहीं लाल चौक पर जाकर गिरफ्तारी किया। इससे साफ पता चलता है इस देश में हर व्यक्ति के लिए, हर धर्म के लिए जगह है और जब पूरे रास्ते में हम गए तो जगह जगह हमारे मुसलमान भाइयों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सबने आकर स्वागत किया। लेकिन 2 कार्यकर्ता ऐसे थे जो यूपी से थे, जो अपनी बीमार मां को अस्पताल में छोड़कर आज भी जम्मू में वहां पर थे, जहां पर हजारीबाग और गया के बीच में हमारी कारें खराब हुई, एक दुकानदार ने जिसके पास 6 गिलास मुश्किल थे उसने बार बार गिलास धोकर हमें चाय पिलाई, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्रा जी को, कुछ कार्यकर्ता, उसने पैसे नहीं लिए, कहा कि आप राष्ट्र धर्म निभाने जा रहे हैं, ये मेरी ओर से अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो कोई और नहीं था, एक मुसलमान भाई था। अनुज शर्मा जी गए लखनऊ से पहले किसी स्थान पर झंडे को सिलाई मरवाई, उसने पैसा कोई लिया, वो भी मुसलमान भाई था। एक ये है जिन्होंने अपना पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन की, एक वो है, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब पूरे देश के युवा के प्रदेश में आ रहे थे उनको स्वागत करना चाहिए था, स्वागत करने की बजाय हमें जेलों में भेजा गया। पुलिस लाइन कठुआ में जो हमें 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैंने शाम को कहा ना कंबल है, ना रजाई है, ना चाय है, उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाओ, हम आपको बाउंड्री पर छोड़ देते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे। मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा जो जो वापस जाना चाहता वो कहेंगे, यहाँ कंबल नहीं मिलेंगे, रजाई नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा भाई साहब हमारे जितने कपड़े आप ये भी उतरवा लो लेकिन हमें लाल चौक छोड़ा। ये जोश, ये जुनून कैसे रुक जाते,
इसलिए आज अगर केवल जीत हुई है तो किसी और की नहीं, देश के युवा की, देश के लोगों की, और हार हुई है तो एक ऐसी सरकार की जो अलगाववादियों का समर्थन करती है, अलगाववादी सोच वाली, जिनके लोग, जिनकी अपने लोग आतंकवादियों तक का समर्थन करते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहां पर हैं। मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, हमने अपना संदेश जो देना था राष्ट्रीय भाईचारे का, हमने दिया, लेकिन अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।